जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू एंड स्माइल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऑल इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट लिस्ट बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उन्हीं डॉक्यूमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है। उस डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशंस नहीं मिलती, क्योंकि दोस्तों जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ये 4 साल का प्रोग्राम रहता है, मतलब ये आपका डिग्री प्रोग्राम या डिग्री कोर्स भी हम इसे कहते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि अभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने का है। जैसे कि आप सभी को पता है 12 जून 2023 को शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपका जो परसेंटाइल है वो रिलीज होने वाला है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक इन सभी डॉक्यूमेंट को रेडी नहीं किया है तो प्लीज आप 12 जून 2023 तक, अभी भी आपके पास 12 दिन बाकी है, आप 12 दिन में पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो। तो प्लीज दोस्तों अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बिना आपको एडमिशंस नहीं मिलती। अभी वो टाइम खत्म हो चुका है कि अगर आपने अभी स्लिप अपलोड की गई है तो आपको जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो आप में बाद में अपलोड कर सकते हैं। अभी वैसा कोई भी फंडा नहीं रहता, अभी आपको सिर्फ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सबमिट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाले हैं, और साथ ही साथ उस स्पेशल डॉक्यूमेंट्स का कहाँ पे आपको ज्यादा यूज होने वाला है इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आपने बीच में स्किप किया तो आपको एक आध डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा, उसके बाद आप बहुत ही पछताओगे। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना है। चलिए जानते हैं। और दोस्तों क्या करना है, हम जो भी डॉक्यूमेंट्स बताएंगे उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और वही डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है। साथ ही साथ हम आपको एक ट्रिक्स भी बताने वाले हैं, इसलिए आपको उस ट्रिक्स के बारे में जानना है तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए, साथ ही साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्लास ट्वेल्थ की जो मार्कशीट रहती है एसएससी एंड एचएससी, वो आपके पास होना चाहिए। अभी आपकी क्लास ट्वेल्थ की जो मार्कशीट है वो कॉलेजेस में आ चुकी है, तो आपको क्या करना है, कॉलेज में जाके क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट ले लेना है। उसके बाद क्लास टेन की मार्कशीट आपके पास ऑलरेडी है तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या करना है, क्लास टेन की ट्वेल्थ की मार्कशीट लेना है, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने जेईई मेंस एग्जाम दी है तो उसका रिजल्ट, एमएसटीसीटी का स्कोर कार्ड आपका 12 जून 2023 को शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में डिस्प्ले होने वाला है। तो जब भी डिस्प्ले हो जाएगा वैसे हम तुरंत आपको अपडेट किया जाएगा कि आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है, जाइए और वहां से जो पीडीएफ है उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम उसके बारे में आपको जब आपका MSTCET 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो आपके पास जेईई मेंस का या MSTCET का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपने दोनों एग्जाम दिए तो दोनों ही एग्जाम का स्कोर कार्ड होना बहुत ही अवश्य है। उसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो आपके पास क्लास 12th का होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसको होना चाहिए, जो स्टूडेंट प्रॉपर महाराष्ट्र से, ज्यादा तो स्टूडेंट प्रॉपर महाराष्ट्र से है तो उसके पास आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों इसके वजह से आपका एक जो परमानेंट नोटिफिकेशन है, मतलब जो रेसिडेंसी है, वो यहाँ पे पता चल जाता है कि आप प्रॉपर महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हो। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मतलब ये कॉमन डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल लिखा है, अगर आप एप्लीकेबल हो तो आप दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, जहाँ पे आपका जो नेशनलिटी है वो आपका इंडियन होना चाहिए। ये आपको कहाँ से पता चलने वाला है दोस्तों, जब आपकी जो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 12th की
जो लिविंग सर्टिफिकेट रहती है वहां से आपको पता चलेगा। अगर वहां पे आपका इंडियन नेशनलिटी भारतीय लिखा होगा तो आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, मतलब नेशनलिटी की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो आपको नेशनलिटी भी निकालनी पड़ती है, तो वो भी आपको निकाल लेना है। बहुत ज्यादा दिन नहीं लगते, 2 या 3 दिन के बाद आपके पास नेशनलिटी आ जाती है। उसके बाद आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड कंपलसरी है क्योंकि आधार कार्ड एक आपकी आइडेंटिटी शो करता है, इसलिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। 2 या 3 पासपोर्ट साइज होना चाहिए, वो भी रिसेंट पासपोर्ट साइज आपके पास होना चाहिए। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट वाले हो, मतलब अगर आप दो स्टेट के बीच में जो आपका इंटरफेयर है वो उस तरह के स्टूडेंट हो, तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। स्पेशल मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है ये पता नहीं रहता। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब दोस्तों, अगर मान लो हम महाराष्ट्र से है और कोई एक दूसरा बंदा जो झारखंड से बिलोंग करता है, राजस्थान से बिलोंग करता है, तो वो बच्चा अगर झारखंड का बच्चा महाराष्ट्र में पढ़ने के लिए आता है तो उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत रहती है। तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसे उस प्रॉपर कॉलेज से मिलता है जहाँ से उसने 12th पास आउट की है। तो दोस्तों ये था माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे हमने लिखा है इफ एप्लीकेबल, मतलब दोस्तों जहां पे हमने जो जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की वहां पे हमने इफ एप्लीकेबल लिखा है, सेम उसका यूज आपको करना है। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट मतलब जो अगर आपने रिपीटर हो उसे गैप सर्टिफिकेट की जरूरत मिलती है, वो आपको क्लास 12th आपने जहां से पास आउट की वहां से आपको मिल जाता है। सिंपली क्या कुछ नहीं रहता वहां पे, आपका सिर्फ एक प्रिंसिपल का साइन रहता और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि किस वजह से हमने गैप ली थी, मतलब हमने बीच में ड्रॉप लिया था, जिसे हम ड्रॉप सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। तो ये है दोस्तों। उसके बाद ये मेन आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी। कास्ट सर्टिफिकेट किन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ओबीसी एससी एसटी वीजे एनटी से बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, साथ ही साथ कास्ट वैलिडिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि वहां पे कास्ट वैलिडिटी में मेंशन किया रहता है कि ये बच्चा प्रॉपर इस कास्ट से बिलोंग करता है। इसलिए एससी एसटी वीजे एनटी इन स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके वजह से आपको रिजर्वेशन भी मिलने के बहुत ही ज्यादा चांस रहते हैं और साथ ही साथ रिजर्वेशन भी मिलते हैं, रिजर्वेशन की जो भी सीट्स है वो आपको इजिली मिल जाती है। इसलिए कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए आपका। उसके बाद सर्टिफिकेट इन परफॉर्मा ए बी सी डी ई जी जे के एल ओ यू एन वी एज एप्लीकेबल। तो दोस्तों जो सर्टिफिकेट इन परफॉर्मा है इसके बारे में हम स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। हम आपको 2 या 3 दिन बाद प्रॉपर यहाँ का पूरा सर्टिफिकेट इन परफॉर्मा के बारे में हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे देंगे। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, इसके वजह से आप इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगते जनरली, अगर लग भी जाते हैं तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है, हम आपके आपको उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। जनरली तो यही डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर और एन ए आर सी कन्फर्मेशन लेटर, 2 सेट्स एफ सी सेंटर वाले, और दोस्तों कंपोनेंट अथॉरिटी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जेरोक्स कॉपी, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको टिप्स बताने वाला हूँ। जब आप एफसी सेंटर पे जाते हो, एफसी सेंटर मतलब फैसिलेशन सेंटर, जहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही दोस्तों आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल 5 सेट्स के जेरोक्स कॉपी के बनाने हैं, 1 सेट ओरिजिनल रखना है, जो ओरिजिनल सेट्स है वो आपको कॉलेजेस में देना है। उसके भी पहले आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसी आपने रेडी किए उसके सबसे पहले आपको कलर प्रिंट निकालना है, उसके बाद ही दोस्तों आपको कॉलेज में सबमिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल 6 बंच आपको बनाने हैं। नंबर 1, अगर आपने ये सब चीजें नोट नहीं की है तो प्लीज अभी ये चीजें नोट कर लीजिएगा कि एक्चुअली आपको जेरोक्स कॉपी कितना रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके आपको कलर प्रिंट निकालना है, नंबर 1 दोस्तों। उसके बाद आपको 5 सेट निकालने हैं जेरोक्स कॉपी के, वो कहाँ कहाँ पे आपको काम में आएंगे।
सबसे पहले एक जेरोक्स से कॉपी का जो है बंच है वो आपको फैसिलेशन सेंटर पे यूज होने वाला है। उसके बाद एक आपको ओरिजिनल और एक जेरोक्स कॉपी वाला आपके कॉलेजेस में होने वाला है। ये आपके 3 सेट हो गए। उसके बाद एक आपको स्कॉलरशिप में दोस्तों योगे 4 और एक आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, कभी भी काम आ सकता है। तो इस वजह से आपको 6 जेरोक्स कॉपी के जो बंच है उसे रेडी रखना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।